भाई साहब आदमी तो ठलुआ है ये पता चली लेकिन ये निकाह करियो जाओ। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू बर्ड वाटर पार्क जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। भाई साहब लेके आ गया भाई, लाइट देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया में आ गए हैं। आगे बिल्कुल जापान वाला फील आ रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक राइड गई थी भैया, ज्यादा से ज्यादा कोई खतरनाक ना है। देख रहे 420 आदमी खड़े खड़े ले लो। कुछ लोग ऊपर मैट लेके जाते हैं लेकिन वो ना डर जाते हैं तो वो अपनी मैट वहीं छोड़ देते हैं। हेलो गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानपुर। तो अभी हम लोग हैं कानपुर, कल मैं कानपुर आ गया था तो भाई आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है माइक के साथ। ये जो माइक है भाई यहीं रूम पे रखा हुआ था, यहाँ पे जो भाई रहते हैं इससे वीडियो वगैरह बना देते हैं इंटरव्यू वगैरह की, तो मैंने कहा कि चलो इसी से ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हो रहा है भाई सुबह की 10। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू बर्ड वाटर पार्क जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो कानपुर में मेनली इसी चीज के लिए आया था, ब्लू बर्ड वाटर पार्क के लिए। तो अभी हम दो लोग जा रहे हैं, मैं और सौरभ, दो लोग और हमारे साथ जो कि यहीं पे रुक रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं ब्लू बर्ड के लिए और यहाँ से जो ब्लू बर्ड की डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 15 किलोमीटर। तो लगभग आधा या पौन घंटा में लग जाएगा पहुंचने में अगर ज्यादा ट्रैफिक ना मिले तो, वरना तो फिर कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लू बर्ड। ये है भाई पार्किंग, तो गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिला, बहुत ही अच्छी ड्राइव रही। और भाई ये देखो सामने जो बिल्डिंग है यही है ब्लू बर्ड। तो ये गाड़ी पार्क कर चुके हैं, सामने देखो भाई इतनी ज्यादा भीड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेट्रो स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं। टिकट लेने के लिए भी भाई लाइन लगानी पड़ेगी। अरे भाई यहाँ पे तो ओनली कैश पेमेंट है और हम लोग आए थे ऑनलाइन के भरोसे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं काउंटर नंबर 5 पे क्योंकि हमें करना है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए काउंटर नंबर 5 पे जाना पड़ता है, बाकी उधर 4-5 काउंटर हैं वो कैश वाले हैं। इधर देखते हैं कि कितनी भीड़ है। सो भी वाटर पार्क की टिकट ले ली है और यहाँ पे ना हमें फूड कूपन भी मिला है, मतलब हमें खाना भी मिलेगा भर पेट जितना खा सको उतना, तो ये हमारे लिस्ट में बांध दिया जाएगा। यहाँ पे 2 टिकट होती हैं, एक वाटर पार्क की एक अम्यूजमेंट पार्क की। तो हमने ली केवल वाटर पार्क की, अम्यूजमेंट पार्क में क्या होता है ये हमें पता नहीं था तो वो हमने ऐड ऑन नहीं कराया। वाटर पार्क की 700 रुपये की टिकट, अगर आप दोनों की लोगे तो वो पड़ेगी आपको 850 रुपये की। और भाई यहाँ पे ना रेट चेंज होते रहते हैं, मंडे को कुछ और रेट होगा, ट्यूजडे को कुछ और रेट होगा। जो सबसे सस्ता होता है ना वही आज के दिन होता है, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को। तो ये बात हमें पहले से पता नहीं थी लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि हम सही दिन पे आए, एकदम सही दिन पे एंट्री मार रहे हैं। संडे सैटरडे को बहुत ज़्यादा क्राउड रहता होगा और संडे सैटरडे को भाई टिकट भी महंगा रहता है। भाई गाड़ी नहीं देगा। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं और एंट्री पे मिलती है एक वेलकम ड्रिंक, माजा मिली है। बिल्डिंग चेक कर रहे हो भाई, पूरी कांच की बनी हुई है। भाई ये देखो हम दोनों दिख रहे हैं सामने। अरे भाई कहाँ खो गए, ये देखो ये दिख रहे हैं। ये बड़ी वाली टीवी पाइए भाई, अभी ना गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। अभी भाई बस वाटर पार्क का इंतजार है, जैसे ही आएगा मजे ही आ जाएगा। अभी इसे खत्म कर लेते हैं वरना ये गर्म पड़ जाएगी। भाई बिल्डिंग चेक कर रहे हो, फोटो शूट के लिए कितनी तगड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है। और भाई यहाँ पे देखो चल रहे हैं बैंड बाजे, ये देखो भाई येल्लो कलर वाली बहुत सही लग रही है, ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया में आ गए। आगे बिल्कुल जापान वाला फील आ रहा है। सही कह रहे हो यार, आगे वाली बिल्डिंग देखो भाई, ये देखो ऐसा लग रहा है हम जापान में आ गए। ये देखो गाइस जलपरी मिल चुकी है, बिना जल की जलपरी भाई, और उनके साथ आगे जलपरी खड़े हुए हैं घोड़ों के साथ। भीड़ देखो जलगत मेट्रो स्टेशन आइए दिल्ली के राजीव चौक। अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर, कॉस्ट्यूम यहाँ से मिल चुका है हमें, बाकी कुछ ऐसे सीन्स हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमें जाना किधर साइड है और अब किसी स्लाइड से एंट्री करते हैं अंदर। वही अभी हम लगे हुए लाइन में, ये लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है स्लाइड पे जाने के लिए। भाई अभी हम जो राइड लेने वाले हैं उसके लिए कितना वेट चाहिए? 55 से अब भाई अभी करते हैं वेट। 59 तेरा कितना था? मेरा 58 58 सेम ही है दोनों का। तो भाई अभी ना अपनी दूसरी राइड शुरू हो चुकी है। ओ
रैली रुक गया। तो गाइस अभी मैंने की थी वाली राइड, अब मैं जा रहा हूँ इस वाली राइड पे। अभी लाइन में लगा हुआ हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां नंबर है अपना। सौरभ पता नहीं भाई कहाँ खो गया है, मैं इस वाली राइड से गया था, वो इस वाली से आया नहीं, अब मुझे दिख ही नहीं रहा, शायद हो सकता है नीचे वापस से मिले। भाई डर के भाग गए। अभी तक हमने जो भी राइड ली है ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं थी वो। अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई ऊंची वाली स्लाइड। इधर क्या है भाई, इधर देखते हैं। तो भाई अभी ना हमें ये वाली स्लाइड दिखी है, ये ना भाई काफ़ी ऊंची है, और इसमें देखो पहले एक राउंड ये है, फिर एक राउंड ये है, फिर सीधे सीधे ऐसे जाएगी, तो ये काफ़ी खतरनाक सी लग रही है। अभी हम दोनों इसी के लिए ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये ना मैट लेके जानी होती है, लेकिन हम दोनों नहीं लेके जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न हम आपको बताते हैं, चलो आगे चलकर दिखाते हैं। बताएंगे नहीं, इसे दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो छोड़ो, बता ही देते हैं। जो लोग कुछ लोग ऊपर मैट लेके जाते हैं, लेकिन वो ना डर जाते हैं, तो वो अपनी मैट वहीं छोड़ देते हैं, उनसे ले लेते हैं हम। पिछली वाली स्लाइड पे भी ऐसा ही हुआ था, हम ऊपर लेके नहीं गए, दो लोग ऊपर डर गए, हम दोनों का काम हो गया। अभी हम दोनों वेट कर रहे हैं किसी के डरने का, कि कौन डरे। तो भैया जैसी हमने पता कही थी वैसे करके दिखाओ, दो तीन आए बाली बच्चा, मैंने पता क्या गिरता है लगा जो दिखा, तो मैं घर को लूँगा। दो लोग हमारे खींचे गए यार उल्टे, रस्सी बांध गया, टकिए हमारे दे दे दोनों, हमारे दोनों दे दे, चलो आ गया सक्सेस। लेकिन भाई एक ना फटा हुआ मिला है देखो पीछे से। अरे चले कहने दोनों जो बच रहे तो ये अपन चलते हैं इस वाले में। भाई चालू हो गई अपनी स्लाइड, भाई लाइट देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। भाई साहब लेके आ गया। तो भाई ऊपर हो रहा है वाटरफॉल, तो ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी पहाड़ वाली वाइब ले लेते हैं। हाय गाइस, हाय तेज लग रही है, तो अभी हम लोग लॉकर से अपना ये फूड वाली प्लेट ले आए हैं। आगे देखो लाइन लगी हुई है, यहीं से हमें एंट्री मिलेगी फूड कोर्ट के लिए। भाई ज़मीन ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है, तो भाई फूड कोर्ट में अंदर आ चुके हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था है। तो भाई खाने में हमें मिला है चावल, पनीर की सब्ज़ी, दाल, छोले और रोटी। बहुत ही भूख लग रही है, इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई खाना पीना खा के आ चुके हैं, अभी पेट में टेंशन नहीं हो रही है। भाई अब हम लोग जा रहे हैं ये जो रेड और ग्रीन वाला है ना, इसमें बैठने जाए चार लोग, थोड़ा राफ्टिंग वाली भी लाने वाली है। बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो गाइस अभी जाते हैं वेव के लिए, वेव वैसे 2 बजे शुरू होती है, हम लोग ऊपर लाइन में लगे थे, हम लोग भूल ही गए थे, अभी शायद चली ना गई हो वेव। भाई अभी वेव स्टार्ट ही नहीं हुई है। भैया अंदर के लिए बोल रहे हैं, अंदर जाओ, पहले आया नहीं है कभी वेव में, फर्स्ट टाइम। Oh!
बाकी सब ट्राई कर चुके हैं, ये वाला ट्राई कर चुके हैं, वाला ट्राई कर चुके हैं, बस ये लास्ट राइड रह गई हमारी। अभी हम लोग आए एक नई राइड के लिए, ये ट्यूब वाली राइड है, लेकिन हम अपना ट्यूब लेके नहीं आए। जुगाड़ कर रहे हो भाई? हम लोग बस उसी जुगाड़ में हैं कि कोई अपना ट्यूब छोड़े तब हम वो ट्यूब लेके नीचे जाएं। भाई इस बार तो वापस से फिर नीचे जाके लेके आना पड़ेगा। भाई ये वाली राइड है बहुत मस्त, ये देखो यहाँ नीचे आके गोल गोल घूम के तब नीचे जाते हैं। ओ भाई लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है, देख रहे हो वहाँ पे शुरू हो रही है और वहाँ आगे जाके एंड हो रही है। हम लोग अभी वहाँ पे ऊपर थे, ट्यूब वहाँ से तो नहीं मिला, यहाँ पे ना भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, पहले मैंने आपको दिखाई भी थी। अभी लाइन थोड़ी सी कम हो गई है तो हमने भाइयों से जुगाड़ कर लिया ट्यूब लेने की, तो भाई हमें ट्यूब लेके दे देंगे, चार लोग हैं तो चार ट्यूब ले लेंगे ये। चाचा तो मैंने पूछी गुजरात थे आदमी आप और बताना पंजाब थे आदमी आप बता चेन्नई थे आदमी आई आप चेन्नई डी एन मिली हो देख रहे 420 आदमी खड़े खड़े ले लो इतने दो। थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई। भाई हम बीच में ही रुके और जब ठलुआ गिरी तो बाद कुछ और ना है आदमी काम ना है। अब बताओ ये तो आदमी अगर मिल के कोई काम करे तो मालूम कितनी लेबर ऑफ काम हुए है। 15-15 रुपया देके यहाँ इतनी भीड़ ज्यादा जा पूछी जाए यहाँ का बात और जब आए मुझे 15 रुपया देके। भाई राइड ले लेके ना बहुत तेज जरा सूख रहा था, अभी लिए पानी की बोतल और एक कोक। भाई इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है राइड की जो लाइन लगी है ना उससे ज्यादा स्ट्रगल यहाँ पे है, सुन ही नहीं रहे हैं भाई, पानी की बोतल लेने के लिए सुन ही नहीं रहे बंदा। हम लोग कम से कम 10 मिनट से ज्यादा हो गए खड़े खड़े तब पानी की बोतल मिल पाई हमें। तो अभी हम लोग आ गए फिर से राइड लेने के लिए, जो हमने सबसे पहली राइड ली थी वो सबसे खतरनाक थी, उससे ज्यादा खतरनाक अभी तक कोई भी राइड नहीं मिली, तो वही राइड रिपीट करने के लिए आए। अभी देखो लगे हुए लाइन में दुनिया की सबसे खतरनाक राइड जय थी भैया, ज्यादा ज्यादा कोई खतरनाक ना है और तुम अगर आइयो ना तो हम बता दे जाई भैया। तो भाई लोग अपना वेव स्टार्ट होने वाली है, 4 बज चुके हैं तो अभी चलते हैं अंदर और वेव के मजे लेते हैं। भाई हम वेव के लिए ना वेट कर रहे हैं बहुत देर से। दीवार पकड़ने की पिछली बार तो नहीं हो पाया था, हल्की सी टच कर पाई थी मैंने। वेव हो चुकी है ख़त्म और ये वाली जो राइड है ना भाई ये देखो यहाँ से शुरू होती है यूँ घूम के फिर जाती है ऊपर फिर जाती है बैक। ये मेरी ना फेवरेट राइड बन चुकी है, 2 बार हम इसे कर चुके हैं, तीसरी बार से फिर से करने जा रहे हैं। सीढ़ियों में पानी टपक रहा है ऊपर से, एक बार फिर से कराते हैं वेट।
62 आया था 59 था 62 हो गया भाई। ये अपनी तीसरी राइड है भाई, इस बार बैठा हुआ सबसे आगे। तो यार अभी हम लाइन में लगने जा रहे हैं क्योंकि अब हम लेंगे ये वाली राइड। ये हमने जब आई थी तब ली थी, अब तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब सब कटने वाले हैं, सही चले। अब तो भाई बहुत कम भीड़ हो गई है, देख रहे हो भाई, देख रहे हो। ये वाली राइड जरूर मानना आप लोग, बतख राइड। तो भाई ये जो भी है ये हमें मिल चुका है, अब ऊपर चलते हैं, मार के आते हैं एक खतरनाक सी राइड। उसके बाद फिर भाई घर भी निकलना है क्योंकि 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो भाई लोड हो चुके हैं, मैंने लिया था इसमें, तो वाटर पार्क से ले लिया हम लोगों ने एग्जिट। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एग्जिट करते टाइम आपको एक आइसक्रीम और मिलेगी, तो वो मिस मत करना, आइसक्रीम लेके एग्जिट करना। बाकी यार काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ब्लू बर्ड का। क्यों भाई, बढ़िया। नेक्स्ट डे काफी थकान हो चुकी है, आज बहुत ही मस्त नींद आने वाली है। ऑलमोस्ट सारी राइड हम लोगों ने ली थी, कुछ राइड नहीं ली थी, इन पे ज्यादा भीड़ भाड़ थी। इस वाले ब्लॉग कर दी मैं एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।